We are continuing the protein denaturation in this module. Certain proteins denatured by heat, extremes of pH or denaturing agents, as we have discussed in the last module, very high or low pH at very high temperatures and by heavy metals ion and by small polar solvents like ethanol and urea, ye agar protein ke structure mein dal denge to they will disrupt the secondary, tertiary or even the quaternary structure of proteins. Lekin pichle module mein humne dekha hai ki primary structure uska retain rehta hai. Isi tarah ye denaturation partial bhi ho sakti hai aur complete bhi ho sakti hai. Aur ye jab ye materials isme se ye high pH या जो solvents हमने बोले हैं जो denature करते हैं denaturing agents हैं, when they are removed these proteins will renature again, regain their native structure and their biological activity if returned to conditions in which the native conformation is stable. कि अगर ये regain कर लेगा अपना normal जो है ना वो कंडीशंस जिसके अंदर प्रोटीन्स जो है ना वो अपने नॉर्मल नेटिव फॉर्म में है, तो ये अपनी जो है ना कंडीशंस रीगेन होंगी तो इसका स्ट्रक्चर भी डीनेचुरेशन जो है वो भी रीगेन हो जाएगा, जिसको हम रीनेचुरेशन भी बोलते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन. अनफोल्डेड प्रोटीन्स जनरली रिटेन अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रीजन्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट facilitate the refolding or renaturation process of that particular protein. के unfolded proteins हमने पहले भी देखा है कि जी denatured proteins जो है वो complete भी होती हैं, partial भी होती हैं, लेकिन इसमें जब भी ये denatured होती हैं इसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ area जो है जो इस solvent से जो है वो दूर रह जाता है, या जो core proteins हैं जो अंदर बैठी हुई हैं जो डीप सीटेड है वहाँ पे इनका सॉल्वेंट्स का या पीएच का अगर इफेक्ट नहीं होता तो पार्शियली अनफोल्डेड रहती हैं, पार्शियली जो है ना फोल्डेड रहती हैं, प्रॉपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रहती हैं, और ये जब भी अपने ओरिजिनल कंडीशंस पे आती हैं तो ये उसको रीफोल्डिंग में हेल्प कर देती हैं और ये अपना नॉर्मल नेटिव स्ट्रक्चर और नेटिव कन्फर्मेशन में चली जाती हैं. A classic example of the denaturation and renaturation of a ribonuclease enzyme. Ribonuclease जो है A is an enzyme. इसकी हम थोड़ी सी देखेंगे कि ये classical example है for renaturation and denaturation. Purified ribonuclease A denatures completely in a concentrated solution of urea इन दी प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. अगर कंसनट्रेटेड यूरिया इसके अंदर डाल लेते हैं राइबोन्यूक्लियस ए में और कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी डाल लेते हैं तो ये अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो उसको डिस्टर्ब करके डीनेचर हो जाता है. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डीनेचुरेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियस ए. के हमने कहा था पिछली स्लाइड में, वी कैन सी हेयर दिस स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे 16 मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट 16 रेजिड्यूज हैं, जैसे 72 और 65 के दरमियान है, इसी तरह 58 और 110 के दरमियान है, इसी तरह 95 और 40 के दरमियान है, इसी तरह 84 और 26 के दरमियान है, यहाँ 16 जो है वो रेजिड्यूज अवेलेबल हैं जो आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज बना लेते हैं और इसको फोल्डिंग में और इसकी थ्री डायमेंशनल नेटिव फॉर्मेशन में इसको एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए जो कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड है वो बन जाती है. जब हम इसमें एडिशन करते हैं कंसनट्रेटेड यूरिया की एंड मरकैप्टो एथेनॉल जो इसको रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उससे ये अनफोल्ड हो जाता है. दिस इज द अनफोल्डेड स्टेट और इसमें ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं आपस में जो ये डिफरेंट उसमें बने हुए थे, जब ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो इसकी इस तरह की फोल्डिंग जो प्रॉपर हुई हुई है ये वाली, ये खत्म हो जाएगी और ये इस तरह का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाएगा. एंड इट इज नॉट द कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट और विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम. राइबोन्यूक्लियस ए की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी सिर्फ उसकी कन्फर्मेशनल और नेटिव स्ट्रक्चर की वजह से है, जबकि ये नेटिव स्ट्रक्चर यहाँ ख़त्म हो गया और ये जो 16 जो है ना रेजिड्यूज वो अलग अलग हो गया और उसकी थ्री डायमेंशनल सेंटिटी जो है इट इज डिस्टर्बेड और वो ख़त्म हो गई. व्हेन द यूरिया एंड द रिड्यूसिंग एजेंट्स आर रिमूव्ड द रेंडमली कॉल्ड डीनेचर्ड राइबोन्यूक्लियस ए स्पॉन्टेनियसली रीफोल्ड्स इनटू करेक्टली
टर्शियरी स्ट्रक्चर रिस्टोरिंग इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी, कि जब हम इसमें से, हमने पहले भी कहा है कि जब इसमें से हम इसकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, जब इसमें से यूरिया और जो है मरकप्टो एथेनॉल निकाल देंगे, तो ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस रिवर्ट हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल नेटिव कन्फॉर्मेशन में आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। दिस इज अगेन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द रीफोल्डिंग और रीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, कि यहाँ हमने देखा था कि ये इसके बॉन्ड्स टूटे हुए हैं और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं आपस में जो सिस्टीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, ये ख़त्म हो गए हैं। दैट्स वाई कि इसकी क्रॉस लिंकेज रिड्यूस द यील्ड सिस्टीन रेजिड्यूज। जब हम ये यूरिया एंड मरकप्टो एथेनॉल जो है इसमें से रिमूव कर देंगे, जब हमने ये निकाल दिया सोल्यूशन, तो अल्टीमेटली ये दोबारा इसकी नेटिव कैटालिटिक एक्टिविटी जो है ना वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगी एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो जहाँ जहाँ से पहले टूटे थे वहाँ वहाँ पे दोबारा बन जाएंगे, विच इज़ फॉर्मिंग द इट्स नेटिव स्ट्रक्चर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी, और इसकी कन्फर्मेशनल चेंज जो है वो वापस इसकी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगी। दिस इज अगेन द प्रेजेंटेशन ऑफ द डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, के अगर हम यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, अगर हम इसमें यूरिया के साथ इसको इनक्यूबेट कर देते हैं तो ये इस तरह की बिजार सी अपीरेंस यहाँ पे आ जाएगी, ऐसी बन जाएगी स्ट्रक्चर जो मिसफोल्डेड है। जब हम दोबारा इसमें से ये निकाल देंगे, ये 100 फोल्ड डल्यूशन कर दी हमने इसी की, इसके में फिजियोलॉजिकल बफर डाल दिया, उसकी वजह से ये दोबारा रीनेचर होके ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चल जाएगा। दैट इज सिमिलर टू दिस कन्फर्मेशनल ऑफ द इनिशियल फॉर्म विच फ्रॉम विच इट वॉज डीनेचर्ड इनटू दिस स्टेट। दिस प्रूव्स दैट डीनेचुरेशन ऑफ सम प्रोटीन्स इज रिवर्सिबल, के इसी ये जो हमने एग्जाम्पल दी है इससे ये डिफाइन हो गया कि सम प्रोटीन्स जो कम्प्लीटली डीनेचर नहीं हुई उनकी जो है ना वो रीनेचुरेशन हो जाती है, और इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस विच टेल्स अस दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमिन्स इट्स थ्री डायमेंशनल कन्फर्मेशन, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो हमने बोला था डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका जो है जो रेजिड्यूज आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स जो कि कोवलेंट बॉन्ड्स हमने इनिशियली डिफाइन किए थे वो नहीं टूटे, वो जब पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटते तो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका इटसेल्फ जो है ना वो रिटेन करेगा। सो रिटेंशन ऑफ दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन रीफोल्ड टू इट्स नेटिव कन्फर्मेशनल फॉर्म विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन।